केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की तिमाही समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल से बैंक पर दबाव कम करने और बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समयबद्ध कदम उठाने पर चर्चा हुई। बैंकों की दूसरी तिमाही समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ डूबते ऋण के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया। बैठक में इस्पात सहित अन्य क्षेत्रों के एनपीए, ऋण के उठाव, बैंकों की वित्तीय सेहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की। द ट्रांजिएंट प्रॉब्लम ऑब्वियसली विल रिमेन बिकॉज़ द क्रेडिट ऑफ टेक हैज टू पिक अप एंड द रिकवरीज हैव टू इंप्रूव, बट द सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच द रिजर्व बैंक हैज अनाउंस्ड, व्हिच सम ऑफ द बैंक्स हैव बीन इंप्लीमेंटिंग, will certainly improve on the quality of those assets. The government also has been extremely proactive in responding to each of the sectors. वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज की समस्या का समाधान अलग से किए जाने पर जोर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां जून के अंत तक बढ़कर 6.03% हो गई, जो इस साल मार्च तक 5.2% पर थी। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने जनधन योजना और प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। द प्रोग्रेस ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना, द टू इंश्योरेंस सेक्टर स्कीम्स, द पेंशन स्कीम, द मुद्रा योजना वर ऑल रिव्यूड एंड द रोड मैप फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाज डिस्कस्ड। स्टील और पावर क्षेत्र में सुधार के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने इन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द स्टील सेक्टर वेयर सेवरल स्टेप्स ऑफ अ रेवेन्यू नेचर हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट वर डिस्कस्ड। सेवरल सजेशंस हैव बीन ऑफर्ड बाय द बैंकर्स इन रिलेशन टू बोथ स्टील एंड एल्युमिनियम। सम ऑफ देम हैव बीन एग्जामिन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू and the secretary DFS would be coordinating further discussions between the banks and the Department of Revenue as to what other proactive policy steps are required to be taken in order to improve the health as far as the banks are concerned. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बाजार के हालात सुधरने पर सरकार सार्वजनिक कंपनियों के शेयर बेचेगी। गौरतलब है कि सरकार विनिवेश से महज $2 बिलियन जुटा पाई है, जो कुल विनिवेश लक्ष्य का सिर्फ 20% है। वेंकट रमन की रिपोर्ट, DD न्यूज़।